बाकी आगे का निर्णय लेंगे, आगे का जो भी तय करेंगे सब मिलकर करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, लीडर से बातचीत करेंगे, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कैंडिडेट लड़े हैं सबसे बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। पर किसी तरह से कोई अफवाह वाली बात नहीं है, सच्चाई ये है कि हम पद से इस्तीफा दे रहे हैं और प्राथमिक सदस्यता से अभी पार्टी में जाने कोई, तो मैं कहा ना कि हम हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पदाधिकारी साथी हैं, कैंडिडेट हैं, सबसे बातचीत करके आगे फिर से हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और किसी माध्यम से आपसे बातचीत करेंगे और जो आगे का निर्णय होगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ के लोगों की लड़ाई हम जब तक जिंदा है लड़ते रहेंगे। इतने लोगों ने, आप लोगों ने इस्तीफा दिया है? अभी तो जो सामने हम दिख रहे हैं बस इतने हमारे साथी हैं, मेरे जी हैं और भी हैं, बाकी और हमारे साथी पुनः जो है अभी जा कहीं नहीं रहे हैं, अभी तो हम लोग काफी लोग हैं। आप लोगों ने मुद्दे की वजह से पार्टी हम नहीं छोड़ रहे, हम छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ रहे हैं। क्या गठबंधन में जाने से जो आपका शीर्ष नेतृत्व गठबंधन में शामिल हुआ इंडिया में, उससे आप लोग? हाँ, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में हम मजबूती से नहीं लड़ पाए। अभी तो हम भेज रहे हैं, अभी हम पार्टी से भेज दिया है और भेज दिया नेतृत्व कोई बात नहीं क्या? शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई, पार्टी छोड़ने या कहीं जाने क्या है, अभी मीडिया में कई तरह से बातें उड़ रही, तो हमने कहा साफ स्पष्ट कह दिया कि हम किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं, बस ये है कि हम पद से और त्याग पत्र दे रहे हैं। मैं जैसा कि मैंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं से पदाधिकारी से बातचीत करके आगे का निर्णय लेंगे। सभी लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। चुनाव के दौरान क्या आपको ऐसी चीज रही जिससे आपको लगा कि पार्टी वहाँ सपोर्ट चुनाव नहीं लड़ सकी, या फिर चुनाव में जो स्ट्रेटेजी होनी थी सहयोग होना था वो नहीं हो पाया, आपकी एक वजह मानते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में और आपके सामने मीडिया के सामने भी हम लगातार कहते रहे कि हम छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन शायद आपने देखा होगा कि हम पूरे नहीं लड़ पाए। तो कहीं ना कहीं जो भरोसा हमने छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच जाके कहा कि हम 90 सीटों में लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, भरोसा टूटा। तो हम नहीं चाहते, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, यहाँ के माटी पुत्र हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कम से कम धोखा छल कपट तो नहीं होगी। से नहीं लड़ सके, इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या अरविंद केजरीवाल या प्रदेश के जो आपके हैं वो प्रभारी, या क्या फैक्टर था आपको? तो वजह जो भी हो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय हम नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वजह जो भी हो। क्षेत्रीय दल वगैरह बना रहे हैं, अभी आगे तय करेंगे। नवीन आइए, कोमल भाई। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी से कई पदाधिकारियों ने भी कोमल ने इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 6 पार्टी पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी इस पर नहीं आई है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, ना ही नेताओं की तरफ से कुछ कहा गया है, पदाधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रही है, छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है जहां आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, 6 पार्टी पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कहा जा रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बागावती सुर चुनाव के ठीक पहले लोकसभा चुनाव आने वाले समय में, जिसको लेकर लगातार बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में हलचल और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। रूप से इंडिया गठबंधन के वजह से ही छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, दुर्भाग्य है।
और यदि हम ताकत से लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और देखने को मिलता। तो जिस पार्टी के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करके अस्तित्व में आए और उसी पार्टी के साथ बैठ के बात करके हम यदि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे और राज्यों में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। हम छत्तीसगढ़ की जनता की लड़ाई जीवन भर लड़ेंगे, जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक लड़ेंगे। क्षेत्रीय दल बना रहे हैं आखिर बीजेपी या कहीं और पार्टी में जा रहे हैं? समय आने पे तय होगा, हमारे सारे पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे और उसके बाद तय करेंगे। फिलहाल 6 बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और आगे आने वाले समय में और भी इस्तीफे का क्रम है वो जारी रह सकता है और अभी किसी पार्टी में जाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है कि आने वाले समय में ये ज्वाइन कर सके, लेकिन देखना होगा कि ये खुद की पार्टी बनाते हैं या फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। तो सीधे तौर पर आपने सुना क्या कहना था, प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है कोमल हुपेंडी ने। आम आदमी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, उसके पहले कोमल हुपेंडी ने इस्तीफा दे दिया है। तो कोमल हुपेंडी के साथ साथ 6 पार्टी पदाधिकारी ने भी इस्तीफा दिया है और सबसे बड़ी वजह इस्तीफा देने की ये कि इंडी गठबंधन की वजह से आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले पाई, ये कहना सामने आ रहा है। और दूसरा, अड़चने आ रही थी, खुलकर आम आदमी पार्टी सामने नहीं आ पाई पिछले चुनाव में और इस तरह की समस्याएं आने वाले समय में भविष्य में ना हो, किसी और पार्टी की वजह से नुकसान या खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसकी वजह से पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ से एडिटर है, न्यूज एडिटर। अभिषेक जी, जिस तरीके से कोमल हुपेंडी ने इस्तीफा दे दिया और वो भी लोकसभा चुनाव आने वाले समय में सिर पर है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, कैसे देखा जाए? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाश रही थी और जमीन तलाशते तलाशते उसके पैरों से जमीन खिसक गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है सभी 90 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी थे, लगातार 5 साल से यहाँ पर जुड़े हुए थे और कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज जब कोमल हुपेंडी ने इस्तीफा दिया तो इस इस्तीफे का कारण, सबसे बड़ा कारण बताया, इंडी गठबंधन के साथ जुड़ना है और उनका मानना था कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा है इसकी एकमात्र वजह इंडी गठबंधन के साथ जुड़ना, जिस कांग्रेस के साथ उनका मानना है कि वो लड़ रहे थे उस कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल होने की वजह से छत्तीसगढ़ में उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो कोमल हुपेंडी जो प्रदेश अध्यक्ष है, सरकारी नौकरी छोड़कर कोमल हुपेंडी आम आदमी पार्टी में जुड़े थे और आम आदमी पार्टी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश छत्तीसगढ़ में कर रहे थे। उनके साथ 6 और बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और सबसे बड़ा कारण यही बताया है कि इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को की शामिल हुई है और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उनको इसका बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की वजह से वो आहत है और इस आहत होकर उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से कोमल हुपेंडी और उनके साथ 6 बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, उपाध्यक्ष समेत। उनका कहना है कि वो अभी फिलहाल किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कड़ी मेहनत उन्होंने की थी पूरे 90 सीटों पर, लेकिन जो परिणाम आया है वो परिणाम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है और इस हार का सबसे बड़ा कारण इंडी गठबंधन के साथ जुड़ना है, जिस कांग्रेस के खिलाफ उनका मानना है कि वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे उस कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल होने की वजह से छत्तीसगढ़ में उनको खराब परिणाम मिले हैं और इससे निराश और नाराज होकर पार्टी के दिग्गजों को, आलाकमान को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो पार्टी, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है, बल्कि बड़ा झटका क्या कहा जाए एक तरीके से छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बिखर गई आम आदमी पार्टी, क्योंकि कोमल हुपेंडी बहुत पुराने नेता थे और शुरुआती दिनों से जुड़े हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, ऐसे में इतने बड़े नेता का अगर लोकसभा चुनाव के पहले इस्तीफा हो जाता है तो पार्टी के पास कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल, राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। राजीव जी, आपको तो ये पता चल ही गया होगा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और वजह इंडी गठबंधन को ठहराया है, क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, भानुमति का कुनबा था आम आदमी पार्टी, जिन लोगों को
कांग्रेस में बहुत स्थान नहीं मिल रहा था, वे लोग इस पार्टी में थे, शरणस्थली बनी हुई थी और आम आदमी पार्टी के अंदर एक ऊहापोह थे कि यहाँ पर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां एनडीए गठबंधन के साथ वो बैठे हुए थे तो वो तय नहीं कर पा रहे थे कि कांग्रेस सरकार का विरोध करे कि पक्ष करे। और राष्ट्रीय मुद्दे पर भी यहाँ के स्थानीय नेताओं का बहुत सारा विरोधाभास था, तो जो वही होता है कि भानुमती का कुनबा गिर गया, ताश के पत्ते धराशायी हो गए और कोमल हुपेंडी जी आदिवासी समाज से आते थे और जो स्थापना के समय से ही जुड़े हुए थे उनका इस्तीफा ये दिखलाता है। आम आदमी पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत खराब हो गई है और निचले स्तर पर भी खराब हुई है, जो उन्होंने इकाइयां गठित की थी तो इससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन क्या अब बीजेपी का दामन थामने को कुछ सोच रही है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या अब कोमल हुपेंडी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी खबरें तो यही है कि बीजेपी नेक्स्ट स्टेप बीजेपी की ओर हो सकता है कोमल हुपेंडी का जाएगा कि इन्हें लिया जाएगा, उसकी ओर से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन ये एक हताशा दिखलाई देती है आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरशिप के अंदर। ठीक, बहुत शुक्रिया राजीव जी साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लगातार अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, सवाल ये है कि अब अगला स्टेप क्या होगा कोमल हुपेंडी का, क्या आपको लगता है? क्योंकि एनडी गठबंधन को लेकर तो उन्होंने बड़ी बातें कह दी है कि अड़चने अड़ंगा और हम खुलकर सामने एनडी गठबंधन की वजह से नहीं आ पाए, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, लेकिन अब अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, सीधी सी बात है कि कोमल हुपेंडी जो कि आप पार्टी को संभाल रहे थे और एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, छह बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है तो कुछ सोच समझकर इस्तीफा दिया होगा और अपने भविष्य की रणनीति को, अपने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दिया होगा। जो अटकलें हैं वो अटकलें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोमल हुपेंडी शामिल हो सकते हैं अपने पदाधिकारियों के साथ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ऐसी किसी भी जानकारी से इंकार कर रही है और कोमल हुपेंडी भी बोल रहे हैं। आमतौर पर ये एक तरीके की प्रक्रिया होती है, कहा जाए शिष्टाचार या कहा जाए कि एक रूटीन सी प्रोसेस होती है, जब भी कोई इस्तीफा देता है तो इस बात का जिक्र नहीं करता कि वो दूसरी पार्टी में जा रहा है। फिलहाल उनका कहना था किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन अटकलें यही है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ उनकी पूरी लड़ाई थी और इसी बात का जिक्र भी उन्होंने आज अपना इस्तीफा देते समय किया भी कि उनकी पूरी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी और इनडी गठबंधन में क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी आप पार्टी के दिग्गजों ने शामिल होने का फैसला किया और इसका नुकसान छत्तीसगढ़ में हुआ। उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहने से वो बचते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।